बिहार में एक दलित नेता को गोली मारी है, भीम आर्मी कितनी गई है वहां पर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बंगाल के अंदर कई दलित नेताओं को, कई दलितों को मारा गया है, कितनी भीम आर्मी गई है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आप तो उछल कूद वही करते हैं जहां आपको पॉलिटिकली सूट करता है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूँ, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं देता भाई, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ ना, पहले जवाब सुनो। सुनिए सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ गए? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो, आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए, आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी, मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर रावण जी। नहीं हूँ मैं, तू तड़ाक नहीं करता ना भाई। चंद्रशेखर रावण जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है, आप पर और आपकी पार्टी के करीब 400 कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने का केस दर्ज हो गया है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक विवेक वाष्णेय जो एलयू के इंस्पेक्टर हैं, उनका कहना है कि साहब उस दिन मारपीट हुई है, वो लड़की जिसके साथ जो कि विक्टिम है, और तो और उस एलयू के इंस्पेक्टर का कहना है कि चंद्रशेखर रावण, ये तो सबको मालूम है कि आप सबसे ज्यादा एक्टिव थे और आप इस पर रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अंडरकवर रिपोर्टर्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें आपका नाम बड़ा क्लियर कट तरीके से आ रहा है, चंद्रशेखर रावण। क्या कहना चाहते हैं आप कि आप पूरा गेम प्लान कर रहे थे, आपने साजिश रची, आप जातीय हिंसा फैलाना चाहते थे उस इलाके के अंदर और फिर समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर? चंद्रशेखर जी, मैं तो चाहता नहीं था कि बच्ची का शव हाथरस जाए, मैं तो चाहता था कि यही रीपोस्टमार्टम हो और पहले सब चीजें जो हैं वो निष्पक्ष जांच हो। आप चाहते थे कि शव जो है वो वहीं रोक दिया जाए और पूरा उत्तर प्रदेश के एक इलाके के अंदर पूरा घटनाक्रम खराब हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये आप पे आरोप है? ये तो आप कह रहे हैं, आरोप लगाना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं, सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए आरोप लगा सकती है। मैं आरोप में भरोसा नहीं करता हूँ। आपके लोग पीड़िता के घर के बाहर, आपके लोग पीड़िता के घर के बाहर रिश्तेदार बन के उनके बैठे हुए हैं, ये तो सच है, बिल्कुल उनके रिश्तेदार बन के बैठे हुए हैं वो। वो बैठे हुए दिखाइए कौन लोग है, मुझे भी जरा दिखा दीजिए। नहीं, वो बिल्कुल सबके सामने है। समझना पड़ेगा कि भीम आर्मी, सुनिए ना पहले जी, ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना, मैं तो तेज ही नहीं बोला, मैं तो आपसे तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब तो देंगे ना आप? हाँ दूंगा ना, ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ भीम आर्मी एक सोच है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवानों में है। और भीम आर्मी को आप क्या समझते, कौन से गाँव में नहीं है भीम आर्मी? हर गाँव में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, क्योंकि अब हमारे तो लोग भीम आर्मी जाएगी, लेकिन भीम आर्मी तो वहीं उछल कूद करती है जहां पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। बिहार में एक दलित नेता को गोली मारी है, भीम आर्मी कितनी गई है वहां पर, मैं जानना चाहता हूं आपसे। बंगाल के अंदर कई दलित नेताओं को, कई दलितों को मारा गया है, कितनी भीम आर्मी गई है, मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप तो उछल कूद वहीं करते हैं जहां आपको पॉलिटिकली सूट करता है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूँ, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं देता भाई, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। और बंगाल में भीम आर्मी है, बिहार में भीम आर्मी, बिहार में मैं खुद गया था जब एन ज्योति के साथ ऐसी घटना घटी थी, मैं गया था और 20 दिन के अंदर मैंने कहा था कि 20 दिन के अंदर फिर बड़ा आंदोलन होगा, गिरफ्तारी नहीं हुई। देखो एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर, क्या कह रहे हैं आप, समझ रहे हो ना, पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। आपके सम्मान के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी, आपसे सवाल पूछा गया है।
आपसे सवाल पूछा गया है, अगर आपको सवाल पूछना भी सम्मान के साथ छेड़खानी लगती है फिर तो ईश्वर बताए। नहीं नहीं नहीं, सवाल पूछना, सवाल पूछने पर आप कह रहे हैं कि देखिए मुझसे आपका लिहाजा देखिए क्या है। चंद्रशेखर जी आपका लिहाजा क्या है, पूछो कि मुझसे छेड़खानी मत करना, मुझसे सम्मान से बात करना। मैंने आपको जी कह के संबोधित करा, सम्मान आपको संबोधित करा, आपसे सवाल पूछ रहा, लेकिन सवाल आपको अपमान लग रहा है। नहीं सुनेंगे, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना। मैं तो सुन रहा हूँ चंद्रशेखर जी, आप मैं तो सुनने के लिए आपको बुलाया। तो सुनिए ना, मैंने के लिए बुलाया कि एक शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा जवाब दे सकूं। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या, बताना जरा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे जवाब दे सकूं। तुम एक अच्छे पत्रकार हो इसलिए आया हूं भाई, तुम्हारे सुनने आया हूं। इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं बहनों का सम्मान करता हूं, मैं भाइयों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने सम्मान से छेड़खानी नहीं करने देता ना किसी। अपने सवाल पूछो, जवाब लो, पर्सनल कमेंट मत करना, बस ये तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें समझना चाहिए कि ये भीम आर्मी सब जगह है, तुम्हारे तुम्हारे आसपास भी व्यवस्था है कि दलित समाज के लोग काम करते हैं, वो भी भीम आर्मी में। चंद्रशेखर रावण जी, मेरा अगला सवाल आपके लिए है। सवाल पूछो मेरा, मैं बिल्कुल सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी इत्मीनान से सवाल को सुनिए जरा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कहते हैं कि आप इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। इंसाफ की लड़ाई क्या है आपकी नजर के अंदर? किसी बेगुनाह को फांसी पे लटका दिया जाए वो इंसाफ की लड़ाई है? बिना जांच के सब कुछ हो जाए वो इंसाफ की लड़ाई है? जातीय दंगे भड़क जाए, जातीय दंगे भड़क जाए देश के अंदर, क्या वो इंसाफ की लड़ाई है? मुझे बताइए। देखिए आपने तीन बातें कही। पहली बात यह है कि किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये इंसाफ की लड़ाई है। मैं पहले आपको एक स्थिति क्लियर करता हूं। जिस तरह का उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, पुलिस की जो कार्रवाई है, पहले तो बड़ी मुश्किल जो है FIR दर्ज होती है, और फिर FIR वो दर्ज होती है क्योंकि हमारे लोग इतने तैयार नहीं है और ये सब चीज़ें उनका उनके लिए खिलौना नहीं है। जो पुलिस लिखवाती है वही लिखते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि इस FIR पे आगे कोर्ट में टिकेगी नहीं टिकेगी, क्योंकि ये जातीय शोषण बड़े पैमाने पर होता है। 10 करोड़ दलित महिला है पूरे देश के अंदर, तो ये सब जगह है। कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई जिला, कोई गांव ऐसा नहीं नहीं होता है, ये एक सामंती सोच इसमें होता। तो मैं किसी निर्दोष को फांसी पे मैं तो नहीं चढ़ा सकता हूँ, ना ही मैं किसी को दोषी को बचा सकता हूँ। बिल्कुल, हम तो हमने ये जो मांग की थी परिवार ने कि सुप्रीम कोर्ट के, सुनते रहो पहले सुनते रहो, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला चले, परिवार भी सहमत है। हाँ, परिवार भी सहमत है। तो ये मेरी पहली बात का जवाब हुआ कि मैं नहीं चाहता कोई निर्दोष फांसी चढ़े, लेकिन हाँ हमारे निर्दोष लोग तो हजारों में। आपको दोष सारा, आपको दोष सारा हाथरस में दिखाई दे रहा है, बलरामपुर में आपको क्यों नहीं दोष दिखाई दिया? बलरामपुर में आपको दोष क्यों नहीं दिखाई दिया? इस तरह मत करो ना, पहले सुन लो ना, पहले देखो पहले पिछले दो सवालों के जवाब दे रहा हूँ ना, चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें इंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ ना, पहले जवाब। दूसरी बात, मैं जातीय दंगे नहीं कराता, इस देश की जातीय मानसिकता है। जब अपराध, पहली बार आपने सुना होगा कि अपराधियों के आरोपियों के पक्ष में, और वो भी ऐसे हीनियस क्राइम के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं और लोगों को धमकी दी जाती है, उनको ये भी नहीं पता, वो कहते हैं कि जब मेडिकल रिपोर्ट में, चंद्रशेखर जी, पर मेडिकल रिपोर्ट में रेप नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में रेप नहीं है। पढ़ी है तुमने? हाँ जी पढ़ी है। तुम्हारे पास दिखाओ जरा मेडिकल रिपोर्ट, मुझे पढ़ी है तुमने? दिखाओ। हाँ मैंने पढ़ी हुई है मेडिकल रिपोर्ट। एडीजी लॉ कह रहे हैं, एडीजी लॉ कह रहे हैं, एडीजी लॉ प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि रेप नहीं है। कोर्ट है क्या एडीजी लॉ? कोई कोर्ट है क्या यार? एडीजी लॉ तो वो कर रहा है जो सीएम कह रहे हैं। हम कानून नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेंगे। मैं बताता हूँ ना, अरे मान तो रहे हैं यार, झूठे मुकदमे भी झेल रहे हैं, मान तो रहे हैं सब कुछ, अब क्या कत्ल करवाओगे? कत्ल तो लोकतंत्र का हो रहा है सर, जो है चंद्रशेखर जी, कत्ल तो लोकतंत्र का हो रहा है। लोकतंत्र का कत्ल तो वो सीएम कर रहा है, जो सीएम ये कहता है कि उस सीएम ने तो सीबीआई जांच की बात करी। आप चंद्रशेखर जी, सीबीआई जांच की बात करी उसी सीएम ने, उसी सीएम की सरकार ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जांच करवा लो, कहा कि नहीं कहा? जो है ट्वीट किया, करवाई नहीं है, अभी SIT जांच कर रही है और अभी 10 दिन और बढ़ा देगा, SIT जांच करेगी। एक सेकंड, मेरे साथ बीजेपी के सांसद और सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु जी एक बार सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ गए? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो, आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए, आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी,
मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर रावल जी। मैं तू तो डाक नहीं करता ना भाई। आपने करी अभी। मैं तो आपका सम्मान करता हूँ अमीश देवगन जी। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूँ। नहीं आपको सुधांशु त्रिवेदी बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक दिन सुधा नहीं नहीं आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए। आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते। इतना इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावण जी। जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, मेहनत करेंगे समझ रहे हो। लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो। सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की। आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे।